वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी आई क्यू. ये आपका पार्ट फिफ्थ है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस को. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपके नेटवर्किंग के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं. प्रोटोकॉल्स होगी, डिफरेंट टोपोलॉजीज होगी या डिफरेंट नेटवर्किंग की टर्म्स होगी. ठीक है, क्यों नेटवर्किंग के क्वेश्चंस हम यहाँ पे एक अलग सेशन ले रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कभी कंप्यूटर का सिलेबस देखेंगे या कंप्यूटर का कोई भी एग्जामिनेशन देंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे जिसमें कंप्यूटर के दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर उसकी लेट अस सपोज फाइव क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, तो अगर मैं रेशियो बताऊँ आपको तो दो तीन क्वेश्चन आपके नेटवर्किंग के होंगे, दो दूसरे होंगे. तो आप देख सकते हैं नेटवर्किंग सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो चलिए डिस्कस करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ ऑल डिवाइसेस, जो सारे डिवाइसेस कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, सेंट्रल हब के साथ कनेक्ट हों, उन उस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं. इफ़ ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब देन टोपोलॉजी इज कॉल्ड. ठीक है, तो उस टोपोलॉजी को हम स्टार टोपोलॉजी कहते हैं. स्टार टोपोलॉजी कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पे डायग्राम आपको शो हो रहा होगा, जिसमें सबसे पहले अंदर एक सेंट्रल हब होता है, उसके बाद आपके बाकी सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो अटैच होते हैं और यहीं से जो सारा फ्लो होता है. सेंट्रल हब क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे सारे आपके कंप्यूटर अटैच होते हैं और साथ में आपका जो डाटा है वो इससे फ्लो होता है. ठीक है, एक तरीके के स्विच की तरह ये काम करता है. उसके बाद बात करते हैं, एक रिंग टोपोलॉजी भी होती है. रिंग टोपोलॉजी इस प्रकार से होती है, रिंग जैसे कि रिंग इस फॉर्म में. ठीक है, यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल हब यूज़ है, यहाँ पे कोई सेंट्रल हब यूज़ नहीं होता, डिफरेंट पॉइंट्स पे जो कंप्यूटर है वो कनेक्टेड होते हैं स्टार की फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी इज, यहाँ पे पूछा गया है कि मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या होता है. पहले तो आप बात बताइए कि मल्टी पॉइंट क्या होता है. देखिए, एक होता है पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है. ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होता है जहाँ पे आपके एक कंप्यूटर और दूसरा कंप्यूटर एक वायर के साथ कनेक्टेड होता है. अब मैं अगर मल्टी पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो भी अटैच हो जाएंगे ना, तो इसको हम मल्टी पॉइंट कहेंगे. अब बस टोपोलॉजी आपकी ऐसी होती है, बस टोपोलॉजी जैसे बीच में एक आपकी पूरी लंबी वायर होती है, उसके बाद आपके नोड्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं. नोड्स क्या होते हैं, जो कंप्यूटर होते हैं उनको हम नोड्स कहते हैं. ठीक है, और यहाँ से ही आपका डाटा जो है वो फ्लो होता है. तो आपकी बस टोपोलॉजी जो है वो क्या है, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी है. आंसर इज ए. उसके बाद बात करते हैं द मेश, इन मेश टोपोलॉजी द डिवाइसेस आर कनेक्टेड वायर. ठीक है, मेश टोपोलॉजी कैसे होती है, देखिए मेश की तरह होती है, यानी कि एक जाला जैसे मकड़ी बुनती है उस प्रकार से. यहाँ पे देखिए कुछ स्टार टोपोलॉजी की तरह होती है, बट स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि आपके जो एडजेसेंट नोड्स होते हैं, यानी कि एक उल्टे हाथ के अपोजिट नोड्स होते हैं और साथ के साथ जो नोड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, अपोजिट में कनेक्ट होते हैं, है ना. तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी साथ वाले डिवाइसेस होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो एक तरीके का ना मेश बन जाता है. अब इसमें पूछा गया था आपसे कि इन मेश टोपोलॉजी द डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय मल्टी पॉइंट लिंक. आपको पता है कि मल्टी पॉइंट लिंक कौन सा होता है, वो बस टोपोलॉजी होती है. उसके बाद पूछा गया पॉइंट टू पॉइंट लिंक. यस, बिल्कुल सही आंसर है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक इसका बी इसका आंसर आएगा. कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए डायग्राम में, यहाँ पे देखिए ये कंप्यूटर जो है, ये कंप्यूटर एक दूसरे के साथ एक वायर के साथ कनेक्टेड है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क. इस कंप्यूटर को भी देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है. यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स जो है एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे के साथ एक वायर के साथ ये कनेक्ट है. तो मेश टोपोलॉजी ऐसी होती है जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क होते हैं. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मल्टी पॉइंट और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में क्या डिफरेंस है. उसके बाद बात करते हैं द बस रिंग एंड स्टार टोपोलॉजीज आर मोस्टली यूज्ड इन लैन मैन और वैन. जो लैन है उसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क. ये बेसिकली वो नेटवर्क स्कीम होती है जो ज़्यादातर ऑफिस में यूज़ होती है. जैसे कि पूरे ऑफिस बिल्डिंग को कनेक्ट करना है एक राउटर के साथ तो लैन यूज़ होगा. ठीक है, मेट्रो पोलिनियन एरिया नेटवर्क जो है बेसिकली एक एरिया को कवर करता है और वैन जो है वो ग्लोबली करता है. ठीक है, तो ये बात आपको याद करनी. तो बस रिंग स्टार टोपोलॉजी किसकी एग्जांपल है, ये बेसिकली आपकी लैन की एग्जांपल है. जब आप एक ऑफिस पूरी ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करते हैं तब आप लैन यूज़ करते हैं.
उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको जो डिफरेंस है वो जानना बहुत ज़रूरी है कि लैन, वैन और मैन में क्या डिफरेंस है, ये क्यों, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं लैन, वैन और मैन की। ये जो पूरा सेक्शन है मैं आपको डिवाइड कर देती हूँ, दिस इज़ फॉर लैन ओके एंड दिस इज़ फॉर मैन एंड दिस इज़ फॉर वैन। अब लैन क्या है, लैन एक प्राइवेट नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही होता है जिसमें हम नेटवर्किंग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो लैन है बहुत इजी होता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। इन कंपैरिजन अगर हम बात करें वैन की, वो डिफ़िकल्ट होता है, और मैन जो है वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, जबकि वैन भी ऐसा ही है, वो प्राइवेट भी हो सकता है ग्लोबली और पब्लिक भी हो सकता है। मैन और वैन दोनों ही डिफ़िकल्ट होते हैं, और इनका जो बेसिकली स्पीड होती है, अब यहाँ पर पूछा जाता है कि लैन, वैन और मैन की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है ना, तो लैन की जो हाई स्पीड होती है, मैन जो है वो मॉडरेट देता है, लो जो है वो मतलब बहुत ही वैन जो है वो बहुत ही लो देता है। ऐसा क्यों, जब हम लैन की बात करते हैं वहाँ पे लिमिटेड जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं, मतलब उनके नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं, आप कह लीजिए कि लैन के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन में 150 कंप्यूटर आपने कनेक्ट कर लिए। जब हम मैन की बात करते हैं तो पूरा एरिया कवर हो जाता है, आप उसमें कह सकते हैं 500 कंप्यूटर्स भी आ सकते हैं, तो डिवाइड हो गया ना आपका नेटवर्क। अगर वहीं पर हम वैन की बात करें तो ग्लोबली आप देख सकते हैं कितने सारे कंप्यूटर्स हैं। तो इस तरीके से आपका जो स्पीड है वो ऐसे हाई, मॉडरेट और लो होती जाती है। कंजेशन भी पूछा जाता है कि कंजेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है। कंजेशन जो है बेसिकली वो टर्म है जैसे कि आपका नेटवर्क में ट्रैफिक इकट्ठा हो जाना। अब देखिए आपका जो कंप्यूटर है वो डाटा किस फॉर्म में भेजता है, वो पैकेट्स की फॉर्म में भेजता है। जब ये पैकेट्स कोलाइड करते हैं एक दूसरे से, यानी कि ट्रैफिक अक्कर होता है, तब हम उस कंडीशन को कंजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी है, लैन कहाँ पे यूज़ होता है, कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल्स, और मैन कहाँ पे यूज़ होता है, स्मॉल टाउन, सिटी, और वैन कहाँ पे यूज़ है, कंट्री में, ओके। तो ये आपको याद रखना है। अगला डिस्कस करते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोर टोपोलॉजीज आर कॉल्ड, दो और उससे ज़्यादा टोपोलॉजीज को हम क्या कहते हैं, बेसिकली उसको हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू टोपोलॉजीज होता है, एंड जैसे कि स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी के ले लिया, उसको एक हाइब्रिड टोपोलॉजी कहेंगे। दो टोपोलॉजीज का यूज़ करना उसको हम क्या कहते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है। इन डैश सर्विस ईच मैसेज कैरी द फुल डेस्टिनेशन एड्रेस एंड ईच वन इज राउटेड थ्रू अ सिस्टम इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल अदर्स। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ी सी डेप्थ में जाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में कि हमारा एक OSI मॉडल होता है, ठीक है, OSI मॉडल होता है, और हमारा जो नेटवर्क है पूरा इंटरनेट वर्क वो TCP/IP प्रोटोकॉल के ऊपर वर्क करता है। हमने OSI मॉडल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि उसकी एक लेयर होती है सेशन लेयर, जिसे हम कहते हैं। ये जो लेयर होती है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपका कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा। जहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जैसे आप फ़ोन कॉल लगाते हैं अपने किसी फ्रेंड को, तो पहले आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है यूज़र के साथ, फिर उसके बाद आपका सेशन जो है कंटिन्यू चलता है जब तक आपकी पूरी बात नहीं होती। जब आपकी पूरी बात कंप्लीट हो जाती है आप सेशन को एंड कर देते हैं, ठीक है, ये पूरी बात हमारी हुई थी। उसके बाद इसमें ये पूछा गया है, वहीं पे ये बात आती है कि जो सेशन लेयर होती है वो दो प्रकार की हमें सर्विसेज देती है। एक को कहते हैं हम कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, एक को कहते हैं हम कनेक्शन लेस सर्विसेज। अब यहाँ पे बात आती है ये दो सर्विसेज एक्चुअली है क्या। तो जब हम बात करते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज की, इसमें क्या होता है, कुछ सीक्वेंस फॉलो होता है। जब भी आपका जो डाटा है वो ट्रांसपोर्ट होगा उसको कोई सीक्वेंस फॉलो होता है। क्या सीक्वेंस फॉलो होता है, सबसे पहले आपका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होता है, फिर आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट होती है, उसके बाद कनेक्शन रिलीज हो जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ से इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक आपको कोई डाटा ट्रांसपोर्ट करना है, तो इस सर्विसेज के अनुसार क्या होगा, सबसे पहले जो कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है, फिर सेकंड राउंड में क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन है आपकी सेंट होगी, ठीक है,
फिर उसके बाद कनेक्शन जो है वो रिलीज हो जाएगा। बहुत अच्छी एक एग्जांपल मैं आपको दूँ, ब्लूटूथ से लेट अस सपोज आपने कनेक्ट किया है तो क्या होता है, सबसे पहले आप कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन सेंट होती है, उसके बाद आप कनेक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कनेक्शन लेस सर्विसेज की। कनेक्शन लेस सर्विसेज में क्या होता है कि आपका ये तीनों फेसेस नहीं होते हैं, इसमें डायरेक्टली जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट होती है और इंडिपेंडेंटली राउट होती है, मतलब जो ईच मैसेज है वो इंडिपेंडेंटली राउट होगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब इसमें क्या होता है, एक ही लाइन फॉलो होती है जिसमें जो आपके सारे मैसेजेस जो है वो जाते हैं, बट इसमें अलग तरीके से होता है। इसमें क्या होता है, लेटर सपोज आप यहाँ पे ले लीजिए कि एक कंप्यूटर आपका यहाँ है, एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर यहाँ है, और यहाँ पे डिफरेंट जो आपके राउट्स हैं, सपोज़ यहाँ से भी आपका डाटा ऐसे करके जा सकता है या सीधे भी जा सकता है, इस फ्लो में भी जा सकता है और इस फ्लो में जा सकता है, ठीक है। तो ये कनेक्शन लेस सर्विसेज में क्या होगा, जो आपके पैकेट्स होंगे वो कैसे जाएंगे, वो लेटर सपोज ऐसे दो तीन पैकेट यहाँ से चले जाएंगे और एक पैकेट यहाँ से चले जाएंगे, वो डिपेंड करता है राउटर कौन सा आपका लेता है, जो पाथ है वो कौन सा लेता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के आपकी सर्विसेज होती हैं और इसमें आपको ध्यान रखना है, तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। एक, इसमें मैसेजेस इंडिपेंडेंटली जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सेकंड, इसमें जो मैसेजेस होते हैं मतलब जो पैकेट्स होते हैं, फुल एड्रेस होता है किसका, डेस्टिनेशन का, ओके। तो यही आपसे पूछा गया था कि ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो बेसिकली डेस्टिनेशन का एड्रेस पूरा लेती है और उसका जो सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंटली राउट करता है, बताइए कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस। तो ये आपका बी इसका आंसर है, कनेक्शन लेस सर्विसेज होती हैं वो, कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, टू यूज़ अ नेटवर्क। अब वही आ गया, वही क्वेश्चन मैं आपको अलग फॉर्म में दे रही हूँ। टू यूज़ अ डैश नेटवर्क सर्विसेज, द सर्विस यूजर फर्स्ट इस्टेब्लिश अ कनेक्शन, यूज द कनेक्शन एंड टर्मिनेट्स अ कनेक्शन। है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको इसका मीनिंग पता हो तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा आपका कनेक्शन ओरिएंटेड, जिसमें फर्स्ट फेज में होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश, सेकेंड फेज में हम क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, थर्ड फेज में हम टर्मिनेट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ सिंपल केबलिंग मेथड, वो सिंपल केबलिंग मेथड नोन एज डैश टोपोलॉजी अलाउज अबाउट 30 कंप्यूटर ऑन अ मैक्सिमम केबल लेंथ ऑफ 600 फीट। अब यहाँ पे ना आपको गेस मिला, मैक्सिमम केबल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी बस टोपोलॉजी जो है वो यूज़ होगी, जहाँ पे मैक्सिमम केबल लेंथ जो 600 फीट होगी और वो 30 कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ अटैच होने देगी। देखिए, हर एक टोपोलॉजीज़ में नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स जो हैं वो थोड़े लिमिटेड होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश अच्छा नहीं होगा, इंफॉर्मेशन का फ्लो अच्छा नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका आता है सी, जो बस का, ठीक है। उसके बाद अगला करते हैं, अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर इज कॉल्ड अ नेटवर्क, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कनेक्टेड कंप्यूटर शेयरिंग रिसोर्सेज इज कॉल्ड अ, ये बेसिकली नेटवर्किंग की आपकी डेफिनेशन है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है कि बताइए कि नेटवर्किंग किसे कहते हैं। तो नेटवर्किंग किसे कहते हैं, जब आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है और अपने जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर करते हैं, है ना, उसको हम नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू अपलोड ईमेल मैसेजेस टू एन ईमेल सर्वर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है ये। तो यहाँ पर आपको चार प्रोटोकॉल्स दिए हैं, ठीक है, DNS, HTTP, SMTP और PAT, ठीक है। DNS क्या था हमारा, DNS हमारा था डोमेन नेम सिस्टम, जिसमें मैंने आपको ये पूरा मैंने आपको करवा दिया है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। ये बेसिकली आपका जो डोमेन नेम सिस्टम है, यहाँ पे IP एड्रेसेस में यूज़ होता है, मैंने पूरा प्रोसीजर पार्ट टू या पार्ट फर्स्ट में इसमें समझाया है। यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए था सी, SMTP, सी आपका आंसर है SMTP, जिसकी फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए, पूछी जाती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये जो प्रोटोकॉल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी ईमेल को अपलोड करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। ये दोनों साइड होता है, क्लाइंट साइड भी होता है और सर्वर साइड भी होता है। तो इतना आपको याद रखना है, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद करनी है और उसके अलावा ईमेल्स में कौन कौन से और प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि POP3, ठीक है, IMAP,
ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये यूज़ होते हैं। तो तीन प्रोटोकॉल्स आपको मेजर याद रखने हैं, पॉप 3, IMAP और आप कह सकते हैं सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन अक्रॉस द इंटरनेट। अब जब भी आपने वेब सर्विंग की होगी, लगभग अगर आपने URL देखा होगा, एड्रेस देखा होगा वेबसाइट का, तो वहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ये चीज़ आती है HTTP। ठीक है, कहीं वेबसाइट में आप देखिएगा HTTPS आता है। जब भी आपको भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करेंगे या कोई भी सिक्योर वेबसाइट होगी तो वो बेसिकली आपका ये प्रोटोकॉल यूज़ करेगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताती हूँ, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सिक्योर कनेक्शन, फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, सॉरी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, सॉरी मेरी राइटिंग अगर थोड़ी सी गंदी हो रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, देखिए ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बेसिकली इनक्रिप्टेड होती हैं, जो आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगी, वो ऐसे सिंपल नहीं जाती है। जैसे कि लेट अस सपोज, बहुत ही अच्छी मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे कार्ड पेमेंट अपनी या कोई भी ऐसी सिक्योर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में भरी, तो वो क्या होगा, वो सर्वर में तो अपलोड होगी ना, उनके सर्वर में अपलोड होगी, तो वो सर्वर में अपलोड होने से पहले यहाँ पर वो इनक्रिप्टेड कर दी जाएगी, ताकि वो रास्ते में किसी के द्वारा चुरा ना ली जाए। तो जब भी आप कोई कार्ड पेमेंट भरे या कुछ भी ऐसी सिक्योर इन्फॉर्मेशन देखें, तो आप अपनी वेबसाइट पे सबसे पहले ये ढूंढिएगा कि वो सिक्योर है कम्युनिकेशन के लिए या नहीं। ठीक है, सिंपल वेबसाइट्स भी आपको देखने के मिलेंगी जो ऐसी होती हैं जो सिक्योर नहीं होती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको विंडो की फुल फॉर्म बतानी है। तो विंडो की फुल फॉर्म यहाँ पे बताइए कि क्या है, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, या वर्ल्ड इंटरेक्टिव, या वाइड इंटरनेट नेटवर्क, या वाइड इंटरैक्ट। तो यहाँ पे विंडो की जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली है वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। ओके, तो ए इसका आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं वायरस की भी बहुत बार पूछी जाती है कि वायरस की फुल फॉर्म बताइए। बताइए सबसे पहले वायरस होता क्या है। बेसिकली एक ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल होता है, खुद ही कॉपीज बनाता रहता है। और बहुत प्रकार के वायरसेस आते हैं, पूछे जाते हैं कि जैसे कि कौन सा वायरस क्या वर्किंग है, इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पे बताइए कि वायरस की फुल फॉर्म क्या आएगी। वायरस की फुल फॉर्म आपकी यहाँ पे आएगी बी, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिमिलर लग रहे हैं, तो इसी तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाता है। आपको एक एक जो पर्टिकुलर वर्ड की पता होनी चाहिए कि क्या है। वी फॉर क्या है हमारा वाइटल, आई फॉर हमारी इंफॉर्मेशन, आर फॉर रिसोर्सेज, यू फॉर अंडर, और एस फॉर सीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, टू डिबग द सिस्टम मीन्स, डिबग क्या होता है, डिबग मतलब होता है कि हमारा बेसिकली देखना कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, फाइंड द करेक्ट हार्डवेयर, फाइंड एंड इंस्टॉल द करेक्ट सिस्टम, फाइंड एंड करेक्ट एरर्स इन द सिस्टम, टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, या फाइंड करेक्ट सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली आपका यहाँ पे सी आता है। देखिए बग मैंने मीन्स होती है एरर, ओके, और डिबगिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम एरर्स को फाइंड करते हैं और करेक्ट करते हैं। ये आपकी कंप्यूटर टर्म है, तो कंप्यूटर टर्म्स भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बात करते हैं, अ डैश प्रोग्राम प्रोवाइड एसेस टू वेब रिसोर्सेज। वेब रिसोर्सेज को आप किस तरीके से कर सकते हैं, ISP, URL, वेब, या इंकर, या ब्राउजर। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोग्राम पूछा गया, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो आपको ये सर्विसेज देता है कि आप वेब रिसोर्सेज को देख पाएँ। तो बेसिकली वो आपका ब्राउज़र होता है। URL आपका क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ओके। ISP आपका क्या है, आपको एक ISP प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट सर्विसेज देता है, जैसे कि आपका एयरटेल हो गया, जावा हो गया, एयरटेल हो गया, सॉरी जियो हो गया, जो आपको क्या देता है, एक इंटरनेट सर्विसेज देता है ताकि आप इंटरनेट को चला सकें।
तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। लाइनिक्स, फायरवॉल्स, राउटर्स, गेटवे, स्विचेस। अब देखिए फायरवॉल्स भी नेटवर्किंग में यूज़ होता है। फायरवॉल्स मैंने आपको बताया था कि एक फायरवॉल एक वॉल की तरह काम करता है, जो आपके कंप्यूटर की जो हार्मफुल फाइल्स हैं या हार्मफुल ऐसी कोई भी चीज़ है उनको बचाता है आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को भी और सॉफ्टवेयर को भी। ठीक है, राउटर्स भी हमने पढ़े, गेटवेज भी हमने पढ़े, स्विचेस भी हमने पढ़ी। तो यहाँ पे आपका लाइनिक्स जो है ये एक नेटवर्किंग टर्म में नहीं आता है। लाइनिक्स बेसिकली आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे आपका डिवाइस नहीं आएगा, यहाँ पे आप लिख दीजिए नेटवर्किंग टर्म, क्योंकि डिवाइस मीन्स होता है वो यूज़ करना कि कोई भी पर्टिकुलर डिवाइस। तो यहाँ पे एक फायरवॉल भी डिवाइस नहीं है, ये बेसिकली एक नेटवर्किंग टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्किंग टर्म। तो यहाँ पे आपका लाइनिक्स आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका बाइनरी लैंग्वेज से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इन बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट एंड ईच स्पेशल कैरेक्टर आर मेड ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, तो बेसिकली वो 8-bit से बने होते हैं। बाइनरी लैंग्वेज में आप देखेंगे कि दो ही वर्ड्स, दो ही नंबर सिस्टम यूज होते हैं, एक 0 और एक 1। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट को अगर आपको मेंशन करना है तो बाइनरी लैंग्वेज में 0-1 का कॉम्बिनेशन होता है और वो 8-bit से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और यही लैंग्वेज जो है हमारा जो कंप्यूटर है वो समझता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसिडर एज अ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, एक परमानेंट स्टोरेज होती है। सबसे पहले आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब भी आप काम कर रहे हो तो प्राइमरी, जब तक आप उसको सेव नहीं करते तो वो एक प्राइमरी स्टोरेज में सेव होता है। ठीक है, जैसे कि रैम हो गई, तो रैम आपकी प्राइमरी स्टोरेज है, ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है, तो ई इसका आंसर है। ठीक है, बाकी सारी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में कंसीडर की जाती है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गई, ऑप्टिकल डिस्क यानी कि सीडी हो गई, ठीक है, डीवीडी हो गई, तो ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज आ गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ईजी था। विच आउटपुट डिवाइसेस इज यूज फॉर ट्रांसलेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू अ पिक्टोरियल फॉर्म ऑन अ पेपर। ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको पता है कि इसका आंसर आता है प्लॉटर। प्लॉटर करता है ऐसे, प्लॉटर क्या है, एक तरीके का आपका प्रिंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैनर क्या करता है, स्कैन करता है। टच पैनल, जैसे कि आप टच जो लैपटॉप में यूज़ करते हैं, माउस, आपको पता ही है कि माउस क्या होता है, मॉनिटर भी आपको पता है। उसके बाद अगला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस अब स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि रैप किसे कहते हैं। बेसिकली ये आपका एमएस ऑफिस से आया हुआ है। ठीक है, अब रैप क्या होता है, जब भी आप देखेंगे कि एक्सेल में आप वर्क करते हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्सेल में जो वैल्यू होती है उसकी जो लेंथ होती है वो सेल से बड़ी होती है, तो हम क्या करते हैं कि वो वैल्यू जो है वो दूसरे सेल में ना जाए, तो हम रैप टर्म को यूज़ करते हैं। रैप में क्या होता है, यहाँ पे ए इसका आंसर है, ये पढ़िए। टेक्स्ट इज टू लॉन्ग टू फिट इन द सेल, द टेक्स्ट ओवरलैप द नेक्स्ट सेल, इफ़ यू डू नॉट वॉन्ट टू ओवरलैप द नेक्स्ट सेल यू कैन रैप द टेक्स्ट। ओके, हम रैप कर सकते हैं कि उस जो पर्टिकुलर आपकी वैल्यू है वो उसी में रहे, दूसरे सेल में ना जाए, तो यहाँ पे आपका ए इसका आंसर है। ओके, बाकी नहीं है, आगे बात करते हैं। वट इज़ अ फंक्शन टू फाइंड द लोएस्ट नंबर इन द सीरीज ऑफ नंबर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि लोएस्ट नंबर फाइंड करने के लिए सीरीज ऑफ नंबर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20, 25, 5, 10 और 15 है, तो कुछ फंक्शंस यूज होते हैं समटाइम्स जो एक्सेल वगैरह में, कि हम कहते हैं कि हमें सबसे मिनिमम वैल्यू जाननी है। ठीक है, सबसे मिनिमम सैलरी किसकी है हमने ये जाननी है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम मिन फंक्शन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सी इसका आंसर आता है। मैक्स फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए। एवरेज फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, सम आपका सम फंक्शन के लिए, तो डोंट वरी, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे एक पूरे फंक्शंस की भी लेके आएंगे एमएक्स ऑफिस की, जब हम और क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे मैं ये आपको सारे फंक्शंस करके दिखा दूंगी।
ठीक है, उसके बाद करते हैं एंड द स्लाइड शो रिटर्न टू अ पावर पॉइंट यू हैज टू यूज़। जब हम पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, स्लाइड शो हम चला रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपकी शॉर्टकट की पूछी गई है कि आप क्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपकी एस्केप की यूज़ होती है हमें वापस वहाँ पावर पॉइंट के जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे लाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर मल्टीपल रिसाइकल बिन हो एक हार्ड डिस्क के लिए तो बताइए क्या इसमें से सही है। ठीक है, यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकल बिन, यू कैन चूज विच रिसाइकल बिन यूज टू स्टोर योर डिलीटेड फाइल्स, यू कैन मेक एनी ऑफ देम डिफॉल्ट रिसाइकल बिन या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली यहाँ पर आपका आंसर आता है ए, यू कैन सेट डिफरेंट साइज फॉर ईच रिसाइकल बिन। ओके, यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। हमने आज 30 क्वेश्चंस किए जिसमें से कुछ नेटवर्किंग के ऊपर थे, कुछ मिसलेनियस थे, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो करते रहिए लर्न, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।